नोकिया X35G, इस स्मार्टफोन के बारे में कुछ एक खास बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ। हालांकि मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहाँ आप इसकी स्पेसिफिकेशन, इस पर मिलने वाले ऑफर्स और ये कब लॉन्च होने वाला है, सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बता रखी है। बट ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है कि आपको कुछ की फीचर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो कि दूसरे स्मार्टफोन से अलग करती है इस स्मार्टफोन को, उन फीचर्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ी डिटेल में मैं जाने वाला हूँ इस फोन को लेकर के, कि क्या कुछ की फीचर्स आपको इस स्मार्टफोन में मिलने वाले हैं जो कि दूसरे किसी भी स्मार्टफोन से इसे अलग बनाता है। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है अगर आपको नोकिया X35G परचेज करना है। मैं बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले फीचर की मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ आपको ये जो स्मार्टफोन है ये इको फ्रेंडली स्मार्टफोन होने वाला है। मतलब इको फ्रेंडली का मतलब है गाइज, ये स्मार्टफोन नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी भी तरह से। इको फ्रेंडली का मतलब ये है कि हमारा जो नेचर है, हमारी जो धरती है, हमारी जो पृथ्वी है, उसके हिसाब से ये स्मार्टफोन बनने वाला है, जिसके वजह से जो इसमें जो कंपोनेंट लगने वाले हैं वो हार्मफुल नहीं होने वाले। दूसरा फीचर यही होने वाला है। यहाँ पे जो मैं की फीचर की बात कर रहा हूँ उसमें दूसरा पॉइंट यही है कि इसमें जो है 100% रिसाइकल किया हुआ एल्यूमिनियम का यूज किया गया, और वहीं 60% रिसाइकल किया हुआ बैक कवर, मतलब प्लास्टिक का जो बैक कवर है गाइज, उसको यूज किया गया है। तो मतलब कि ये जो स्मार्टफोन है ये लगभग लगभग टोटली रिसाइकल किया जा सकता है। इसके जो कंपोनेंट है उनको रिसाइकल किया जा सकता है, मतलब रीयूज किया जा सकता है। ये नहीं होगा कि भाई ये कंपोनेंट खराब हुआ, ऐसे गेर दिया, ये इसका कोई यूज नहीं है और वो पड़ा हुआ है। बट यहाँ जो कंपोनेंट है उनको रिसाइकल करके उनको फिर से रीयूज किया जा सकता है। तो ये इको फ्रेंडली होने वाला है, नेचर फ्रेंडली होने वाला है, जिससे कि नेचर को हार्म नहीं होगा, उनको नुकसान नहीं होगा। इस स्मार्टफोन का ये सबसे खास फीचर जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। तीसरे फीचर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपको फोटोग्राफी का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिलने वाला है। मीन्स जब आप फोटोग्राफी करते हो तो यहाँ पे कंपनी का दावा है कि कम रोशनी में भी आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फोटोग्राफी कर सकते हो। मतलब एक अच्छी फोटो आप क्लिक कर सकते हो, उसको कैप्चर कर सकते हो। अगले फीचर की बात कर लेते हैं, तो कंपनी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अपग्रेड है वो 3 साल तक देने वाली है। मतलब कंपनी इस चीज़ का वादा करती है कि वो अपने OS को 3 साल तक अपग्रेड देगी अपने OS का, और साथ के साथ आपको मंथली बेसिस पे सिक्योरिटी अपडेट्स भी स्मार्टफोन में मिलने वाले हैं। अगले फीचर की बात करूँ, तो यहाँ पे मैं बैटरी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सबके साथ होती है, बैटरी की प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ कंपनी दावा कर रही है कि आप एक बार बैटरी चार्ज होने के बाद आप 2 दिन तक लगातार स्मार्टफोन को यूज कर सकते हो, आपको बैटरी की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 3 साल की वारंटी के साथ ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। इसका अगर मैं वेट की बात करूँ तो 185 मतलब 185 ग्राम का ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। IP67 की इसको रेटिंग मिली हुई है। मीन्स अगर ये पानी में गिर जाता है, 2 मीटर तक पानी में जाने के बाद भी इस स्मार्टफोन को कुछ नहीं होने वाला। मीन्स ये स्मार्टफोन सेफ रहने वाला है, जो कि और स्मार्टफोन से बिल्कुल अलग इस स्मार्टफोन को बना देता है। वही बात करें डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले आपको टफ गिलास आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। मीन्स डिस्प्ले टूटने वाली नहीं है, एक तरह का गोरिल्ला गिलास कह सकते हो या टफ गिलास कह सकते हो, जो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। अगले फीचर की बात करें, तो इसमें आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाता है, एक ऐसा फ्रेम जो कि मेटल होने वाला है, जो कि जल्दी से टूटने वाला नहीं है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे सब रिसाइकल होने वाला है। मीन्स ऐसे मटेरियल का यूज किया जा रहा है जहाँ इस स्मार्टफोन को सबसे अलग और सबसे यूनिक बना देता है, जिसे रिसाइकल करके फिर से यूज में किया जा सकता है, उसके कंपोनेंट को यूज में लिया जा सकता है। मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने इसके प्राइस को लेकर के, इसको रिव्यू करके, इसके फीचर्स को, इसकी स्पेसिफिकेशन को, इस पर मिलने वाले ऑफर्स, सब कुछ आपको डिटेल में बता रखा है। और उसके साथ ही इस वीडियो में मैंने आपको इसके जो मेनली जो की फीचर्स है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जो और स्मार्टफोन से इसको अलग बनाती है, तो उसके ऊपर भी मैंने पूरी तरह से डिटेल में आपको बता दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जिसमें आप प्राइस और स्पेसिफिकेशन और जो ऑफर्स इस पे मिल रहे हैं और कब ये लॉन्च होने वाला है, सारी डिटेल मैंने उस वीडियो में बना रखी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, और साथ के साथ आई बटन पे भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। तो थैंक यू सो मच गाइस आपके प्यार के लिए। आई होप आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू।